ग्वालियर जिला प्रशासन द्वारा ग्वालियर संभाग में कराए जा रहे प्रशासनिक कार्यों और विकास योजनाओं की जानकारी के लिए संभागीय आयुक्त आशीष सक्सेना ने नए संभागीय आयुक्त कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा की। जिला प्रशासन के कराए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों और विकास कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि ग्वालियर जिले में लगातार विकास योजनाओं को मूर्त रूप दिया जा रहा है। वहीं ग्वालियर में जहाँ 1000 बिस्तर का नया हॉस्पिटल बनकर पूरी तरह तैयार है, तो वहीं चंबल से ग्वालियर पानी लाने की योजना पर भी लगातार काम किया जा रहा है। साथ ही ग्वालियर अंचल में हुई बारिश के बाद गुना, श्योपुर, मुरैना, भिंड जिले में बने बाढ़ के हालातों पर संभागायुक्त आशीष सक्सेना ने बताया कि ज्यादातर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से ग्रामीणों को बाहर निकाल लिया गया। मुरैना और भिंड जिले में अभी चंबल का पानी बढ़ा है, तो यहाँ NDRF और SDRF की टीमें लगातार काम कर रही हैं। जिन गांवों में पानी अधिक भरा है, वहां से लगातार ग्रामीणों का रेस्क्यू किया जा रहा है। इसके साथ ही जिला प्रशासन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में ग्रामीणों को भोजन और दवाओं की व्यवस्था भी कर रहा है। गुना और श्योपुर में अभी स्थिति नियंत्रण में है। प्रशासन लगातार नई टेक्निक का इस्तेमाल कर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में सहायता पहुँचाने की कोशिश में लगा है। अनुरोध कर रहा हूँ कि जल्दी ये 1000 बिस्तर का अस्पताल जैसे ही आता है तो संसाधनों की हमारे पास कमी नहीं है और आपको इतना परिवर्तन दिखाई देगा जितना कि ग्वालियर वालों ने सोचा नहीं होगा। जेएस को व्यवस्थित रूप से कर दिया जाएगा, बंद की बात नहीं है। कुछ जगह उस जेएस में जो पत्थर वाली बिल्डिंग है उसमें काम हॉस्पिटल नहीं लगेगा उसके अंदर। तो जो 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 समस्याएं थी कि जो बिल्डिंग खराब हो चुकी हैं जिनको कि हम रिपेयर नहीं कर पा रहे, जिनमें आप तरह की बात आ रहा है, तो व्यवस्थित हो जाएगा उसके अंदर। हर डिपार्टमेंट के लिए एक व्यवस्थित जगह उसमें दी गई। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि प्राइवेट वार्ड जिसकी आप बात कर रहे थे, प्राइवेट वार्ड 135 वार्ड वहाँ पर उपलब्ध।